नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक मित्र ने पूछा है, अगर कोई एब्सोल्यूट बिगिनर है, इसने पहली बार स्पिरिचुअल पाथ के बारे में, एनलाइटनमेंट के बारे में सुना है, तो उसको कंप्लीट एनलाइटनमेंट के लिए कितना साल लगेगा और कौन कौन सी बातें हैं जो उसको ख़ास तौर से ध्यान में रखनी होगी, कितने साल लगेंगे और कौन कौन सी बातें हैं जो उसको बहुत सीरियसली याद रखनी होगी। चलिए सबसे पहले टाइम पीरियड देखते हैं। मैंने 1997 में कायदे से स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना शुरू किया था। उसके पहले मैंने 1992 में, जब मैं 10th में था, तो मैं कोचिंग जाया करता था शाम को, तो एक ओशो की एक कोई बुक उठाई थी मैंने, भारत एक खोज या कोई ऐसी बुक थी, लेकिन वो बहुत कैजुअल था, जैसे आप कोई मैगज़ीन पढ़ लेते हैं बस ऐसे ही। लेकिन 1997 में मैंने पहली बार सीरियसली परस्यू करना शुरू किया था एक स्पिरिचुअल पाथ को, एक गुरु जी के आश्रम में जाना शुरू किया था, सीखना शुरू किया था। 97 से 2007, 2017 और अब चला है 2024, 3 साल बाद 2027, तो तकरीबन 30 साल हो जाएंगे। 30 साल। और अभी तक मैं पूरी तरह से एनलाइटेंड नहीं हुआ हूँ, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि मैं अपने रास्ते पर हूँ और मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी डूज़ एंड डोंट्स से फ्री हो गई है। मुझे अपने आप को किसी भी प्रैक्टिस में ज़बरदस्ती डालना नहीं पड़ता है, वो नेचुरल हो गई है। एक ब्रेन में 24 आवर्स का एक कनेक्शन डेवलप हो गया है मेरे ही अपने कॉन्शियसनेस के साथ में, जिसको कृष्ण कहते हैं डिवाइन फ्रैगमेंट या तो आत्मन, उसके साथ में मेरी अवेयरनेस का 24 घंटे का एक साथ हो गया है। कब से चालू हुआ ये? 2003 या 4 से। और मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था स्पिरिचुअलिटी का, कोई बहुत बड़ा साधक नहीं था, एकदम शुरू में कैजुअल रीडर था, फिर धीमे धीमे जब जैसी किताबें मिलती गईं वैसे पढ़ता गया। गुरुओं के पास जाकर के मैंने बहुत ही सीरियसली स्टडी करने की कोशिश की, कई गुरुओं के पास गया मैं, लेकिन जो मेरा सबसे इंटेंस एक्सपीरियंस आया था वो अकेले आया था, अपने घर पे आया था, और उसके बाद फिर मुझे किसी भी आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। टाइम का ऐसा चक्कर है, अभी हम लोग जनों का पर्सनल कोर्स में कुछ हमारे जनों की फ्रेंड्स से, उनके साथ हम बात कर रहे थे हमारी गूगल मीट पर, ऑलमोस्ट हर हफ्ते हमारी गूगल मीट होती है, जितने भी हमारे सीरियस स्टूडेंट्स हैं 1000 जिनोगियों के साथ जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें, कि एक इंस्टेंटनेस होता है ये एनलाइटमेंट का प्रोसेस, दो तरीके से इंस्टेंटली होता है। एक तो आपको हर रोज़ जब भी आप अपने अवेयरनेस में रहेंगे, ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे और सही तरीके से अगर अवेयरनेस होगा, तो आप तुरंत थोड़ा सा एनलाइटन हो जाते हैं और उसको फील करते हैं, अपनी ग्रोथ को फील करते हैं। और एक इन्हीं रोज़ के ऑब्जर्वेशन का एक कंपाउंड इफ़ेक्ट होता है, एक कंप्लीट इफ़ेक्ट होता है जो आपको फील होता है हर 10-10 साल पे। आप देखेंगे अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में हैं तो 10 ईयर्स का माइलस्टोन होता है, हर 10 साल में आप अपने आप को देखेंगे, आपको लगेगा अरे उससे मैं कितना आगे बढ़ गया हूँ। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि कितने साल लगेंगे एक एब्सोल्यूट बिगिनर को, तो मैं उसको बोलता हूँ पहले तुम 10 साल के लिए काम करो, उसके बाद बाकी चिंता करना, 10 साल में तुम्हारी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। अब दूसरी बात कि कौन कौन सी चीज़ों का हमको ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए अगर हम एक एब्सोल्यूट बिगिनर हैं। तो सबसे पहला, डाइवर्स पाथ। स्पिरिचुअलिटी में ना ढेर सारे टाइप के पथ हैं, अंत तो एक ही है, मुक्ति, लेकिन रास्ते बहुत ढेर सारे हैं।
और जैसे ही आप एक रास्ते पे चलेंगे ना, कुछ दिन बाद आपको लगेगा वो दूसरा वाला ज़्यादा आसान है, या उस पे चल के जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारा मन बेसब्र होता है रिजल्ट के लिए। तो आपको ख़ास तौर से ध्यान देना है कि किसी भी तरह से आपको अपना रास्ता खोजना है, और आपका रास्ता कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। जब आप अपने पथ पे, अपने स्पिरिचुअल पथ पे पहुंचेंगे, तो आपको खुद ही पता चलेगा अपनी ग्रोथ से, अपने थॉट्स के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन से, अपनी लाइफ में और अपने आसपास के लोगों की लाइफ में जो आपका इन्फ्लुएंस है उससे आप देखेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप रास्ते पे हैं, आपके अपने पथ पे हैं। हम में से हर किसी का एक यूनिक टाइप का पाथ है, स्पिरिचुअल पाथ। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि भक्ति योग फॉलो करना है, कि ज्ञान योग, कि हठ योग, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो कुछ मेजर पथ हैं, लेकिन उसके अंदर में भी माइक्रो रोड्स हैं। हर एक आदमी को, चाहे कितने भी इवॉल्व्ड गुरु के पास आप हों, आपको अपना पथ अपनी वासना के हिसाब से खोजना होगा, बल्कि पाना होगा, खोजना नहीं होगा, पाना होगा। खोजिएगा मत। अगर आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं तो अपने आप लाइफ आपको पहुंचा देगी, आपकी वासनाओं के हिसाब से, आपके संस्कारों के हिसाब से, राइट पाथ पे। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी गुरु के पास हैं, किसी आश्रम में हैं, तो आप अपने आप को ज़बरदस्ती मोल्ड करने की कोशिश करेंगे उनकी हिसाब से, उन गुरुओं के हिसाब से। मैंने किया, और मन हमारा इतना ज़्यादा मोल्डेबल होता है कि लगने लगता है कि हाँ हाँ, जो वो कह रहे हैं, मुझे एक्सपीरियंस आ रहे हैं, मैं ग्रो कर रहा हूँ, और बिलीव भी करने का मन करता है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर में एक तरह की डेस्परेटनेस होती है। लेकिन ईमानदारी से देखिएगा आपकी लाइफ को, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को, अपनी पर्सनल कंडीशंस को, कि आप कितना डिस्टर्ब्ड हैं, कितना पीसफुल हैं। ओवरऑल अपनी लाइफ को देखिएगा, और एक थ्रिल होता है जब आप राइट पथ पे होते हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आप राइट पाथ खोजें, और वो पाथ किसी और के हिसाब से नहीं होता, आपकी अपने हिसाब से होता है, आपके अपनी वासनाओं के हिसाब से। दूसरा है डेडिकेशन। अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसमें आपको 12-12 घंटे पढ़ाई करनी होती है। कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो आपको दिन के कम 10-12-15 घंटे मेहनत करना होता है। लेकिन स्पिरिचुअल पाथ ऐसा पाथ है जिस पे आपको 24 घंटे डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। 24 घंटे का मतलब ये है कि आप दिन में पढ़ाई लिखाई करेंगे, वो तो ठीक है, साथ ही साथ आपको नौकरी भी करना होगा। उस नौकरी में, और या तो आपके बिजनेस में, जो भी आप पा रहे हैं, जो कमा रहे हैं, उसके साथ डिटैच्ड रहना होगा। इस डिटैचमेंट के साथ में अपने सारे कर्तव्यों को निभाना होगा, और साथ ही साथ रात को जब आपको गहरी नींद आ रही है, उस समय भी आपका एक तरह का डिसिप्लिन चलना होगा। ये 24 घंटे का डिसिप्लिन है। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहा करते थे, इसमें आप खुद को एनफोर्स नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती अपने आप को इस पथ पे आप फोर्स नहीं कर सकते, डेडिकेशन नहीं ला सकते। ये होता है एक तरह का ऑर्डर। जब शरीर सही हैबिट्स में होता है, उसके अंदर राइट फूड डालते हैं आप, राइट इम्पल्सेस डालते हैं, आपकी ब्रीदिंग सही होती है, जब सब कुछ आपकी बॉडी का सही होता है, तब वो बाहर का भी एक रूटीन फॉलो करता है। तो वो है राइट डेडिकेशन। इसीलिए कृष्णमूर्ति या रमण महर्षि या जो भी एनलाइटेंड मास्टर्स थे, जब आप उनकी लाइफ को देखेंगे तो एक लालच आता है, यार कैसे वो आदमी इस तरह से जीता था। जैसे कोई घड़ी चलती है, उसकी हर एक्टिविटी परफेक्ट लगती है, ऐसा लगता है कि वो लोग कोई आर्टिफिशियल ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन कभी अगर आप किसी एक एनलाइटन मास्टर की पूरी लाइफ को स्टडी करें, कृष्णमूर्ति की, रमण महर्षि की, या रामकृष्ण परमहंस की, तो आप देखेंगे उनकी लाइफ में
वो जो डेडिकेशन था ना, वो जबरदस्ती नहीं था, वो किसी के लिए डेडिकेटेड थे। वो कुछ समझना चाहते थे, किसी भगवान को बहुत गहरे से जानना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने आप को इस तरह से बनाया कि उनका ब्रेन रिसीव करने के लिए रेडी हो सके। बिकॉज जो लाइफ इरेगुलर होती है वो बहुत रिसेप्टिव नहीं होती, एक तरह का रिदम चाहिए होता है माइंड को। वो रिदम आता है जब आप अंदर का ऑर्डर जानते हैं कि आपको चाहिए और उसको आप खोज लेते हैं। ये ऑर्डर मिलिट्री वाला नहीं है, ये डिसिप्लिन, इसकी कोई छुट्टी नहीं होती, इसमें कोई वेकेशन नहीं होता। ये माइंड का प्योरिफिकेशन है, एक प्योरिफाइड माइंड में से ही डेडिकेशन निकल के आता है। तो ये दूसरा पॉइंट है जो आपको बहुत खास ध्यान देना पड़ेगा कि बिना फोर्स किए कैसे आप एक एक रिदम में रह सकें अपने 24 घंटे। तीसरा पॉइंट है प्योर अवेयरनेस, अवेयरनेस या तो प्योर अवेयरनेस। जब आप कोई स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, किसी गुरु को सुनते हैं, तो वो क्या देने की कोशिश कर रहा है, वो शब्द नहीं बता रहा है आपको। ओशो अक्सर कहा करते थे, शब्दों के पार सुनो, मैं शब्दहीन हूँ। कृष्णमूर्ति उसको चॉइसलेस अवेयरनेस कहते थे। रमण महर्षि उसे कहते थे, अपने आप से पूछो कि थॉट्स किसको आ रहे हैं, या कोई विचार, कोई भाव कहाँ हो रहा है, अपने आप से पूछो। तो ये सब लोग बात करते थे हमारे अंदर की एक रोशनी की, एक लाइट की, उसको बोलते हैं अवेयरनेस। लेकिन ये अवेयरनेस एक वर्ड है, जैसे सूरज एक वर्ड है, रात एक वर्ड है, ठंड एक वर्ड है, लेकिन शब्द को मतलब तब मिलता है जब आप उसको जीते हैं। जब आप अपनी हरकतों को, अपनी एक्टिविटीज़ को इसलिए कर रहे हैं कि आपको अवेयरनेस चाहिए, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तब भी, किसी की बातें सुन रहे हैं तब भी, आप खाना खा रहे हैं तब भी, तो आपकी अवेयरनेस का दिया बढ़ने लगता है, उसका साइज़ बढ़ने लगता है। अभी रिसेंटली हम लोग जनों का पर्सनल कोर्स में पढ़ रहे थे कि किस तरह से रमण महर्षि कहते हैं ध्यान का मतलब है कि एक आदमी एक विचार पर फोकस करता है, और जैसे ही एक विचार पर आप फोकस करेंगे तो ढेर सारे विचार आकर के आपसे फाइट करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन वो एक विचार की ताकत बढ़ती जाएगी अगर आप उसको अपने मन में रख पाते हैं। लेकिन वो एक विचार कैसे बड़ा होता है, कैसे मजबूत होता है, वो होता है बाय द पावर ऑफ अवेयरनेस। जब आप दिन में अपने तौर तरीकों में एक स्लोनेस ले आते हो कि मुझे धीमे धीमे करना है, अच्छे से करना है, आप जब खाना खाने के बाद अपना प्लेट सिंक में रखते हो और वहाँ पर धीरे धीरे अपनी जूठन को खुद ही साफ करते हो, जब आप खाना खाते समय ध्यान देते हो कि कितना खाना खा रहे हो, क्योंकि मन छोटे बच्चे की तरह है, जैसे छोटे बच्चे जिनको चलना फिरना नहीं आता वो इम्बैलेंस्ड होते हैं, ऐसे ही हमारा मन इम्बैलेंस्ड होता है। उसके सामने जब स्वादिष्ट खाना होता है तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लेता है, और वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको एक्स्ट्रा खाने के लिए हैबिचुअल बनाती है, और जो भी चीज़ें हमारी हैबिट बनती हैं वो हमारी अवेयरनेस को कम कर देती हैं। तो हद में हर समय मौका खोजिए अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने का, उसके साथ खेलने का, क्योंकि ये अवेयरनेस ही वो आग है या वो फोर्स है जो आपको इस शरीर से जीते जी अलग कर पाएगा। स्पिरिचुअलिटी में 8 स्टेप्स होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें प्रत्याहार की स्टेज है अपने आप को अपने आप से अलग करना, शरीर से मरना लेकिन मन से जिंदा रहना। वो स्टेज तभी होगा जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में
अवेयरनेस होगी। चौथी इंपॉर्टेंस है गुरु की। अगर आप ईमानदारी से स्पिरिचुअल फ्रीडम चाहते हैं, अपने पथ पे चलना चाहते हैं, तो हर जनरेशन में, हर समय काल में एक गुरु आपके पास होता है गाइड करने के लिए। लेकिन कंडीशन ये है कि आप जेन्युइनली किसी टीचर को खोज रहे हैं, आप खाली नाम के लिए नहीं खोज रहे हैं, आप उस खोज में जल्दबाजी में नहीं हैं, आप इसलिए भी नहीं जा रहे हैं किसी गुरु के पास क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है आपको बहुत आसानी से एनलाइटन कर देगा। आपकी खोज एकदम जेन्युइन होनी चाहिए। और जब मैं जेन्युइन खोज बोलता हूँ तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपनी लाइफ की कंडीशंस को देखिए कि कहाँ पर उलझने हैं, कहाँ पर कन्फ्यूज्ड हैं आप, कहाँ पर आपकी लाइफ में कंप्लेंट्स हैं जिसको आप ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ही वासना, आपके ही संस्कारों में से, आपकी ही डे टू डे एक्टिविटी में से आपको आपका गुरु फ्रीडम देगा। प्लस जब आप गुरु के पास पहुंचते हैं ना, तो आपको दिखता है कि एक नॉर्मल इंसान जो आपकी तरह है वो आपसे ज़्यादा फ्री है। वो आपको दो तरीके से सिखाता है, एक तो आपको जो नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, हेल्प करता है, वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उसको देख करके आपको भरोसा होता है सच का, कि जो कुछ भी किताबों में लिखा गया है वो केवल काला शब्द, काला अक्षर नहीं है, वो साक्षात ट्रूथ है, हमारी आंखों के सामने है। इसलिए अगर जेन्युइन इच्छा है मुक्त होने की, तो आपको गुरु मिल जाएगा। गुरु का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है स्पिरिचुअल पाथ पे। और एक बार आपको राइट गुरु मिल जाता है, तो आपको वो गाइड करता है आपके अंदर के गुरु के पास पहुंचने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली रात को सोते समय या आपकी मृत्यु के बाद आपको जो गाइड करेगा वो आपका इनर गुरु है, आपका डिवाइन फ्रैगमेंट, पर्सनल डिवाइन फ्रैगमेंट। पांचवा पॉइंट है सेक्लूजन पीरियड्स। आपको समय समय पर अपने साथ रहना पड़ेगा, कभी कुछ दिनों के लिए, कभी कुछ हफ्तों के लिए। जैसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप अपने आप को उपवास करा सको कुछ घंटों के लिए, 15 घंटों के लिए, 20 घंटों के लिए, एक दिन के लिए, तो आपकी बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ जाता है। जो वजन कम होता है वो तो एक बात है ही, लेकिन साथ ही साथ आपकी बॉडी में एक तरह का अलग रिस्पॉन्स क्रिएट होता है जो जो स्ट्रांग बनाता है बॉडी को। ठीक ऐसे ही आप जब अपने आप को अकेले रखते हैं कुछ समय के लिए, सेंसेशन से अलग रखते हैं, जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है, भीड़ भड़के की, मोबाइल की, फ्रेंड्स की, फन की, जब उससे अलग रहते हैं, तो आपके सेंसेस को एक नई डिस्कवरी होती है। इसीलिए जितने भी मास्टर्स रहे हैं, उन सब ने टाइम निकाल निकाल के अपने आप को कुछ सेक्लूजन पीरियड दिया है। कृष्णमूर्ति 2-2, 3-3 महीने के लिए अलग अकेले रहते थे। रमण महर्षि भी ऐसे ही कई महीने के लिए अकेले अपने गुफाओं में रह जाते थे, दिन में एक आध बार किसी से मिले बस। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी ये फोर्स्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप एनलाइटमेंट के लालच में ज़बरदस्ती अपने आप को रिक्लूस मिले जा रहे हैं, अकेले पर मिले जा रहे हैं, तो चांसेस यही हैं कि आपका मन पागल हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल रेजिस्टेंस। जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, तो किसी न किसी दुख से हम इंस्पायर होकर के, पुश होकर के आते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद समझ में आता है कि दुख काफ़ी नहीं है फ्री होने के लिए। आपको साधना भी करनी होगी, आपको इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा। और जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं एक पाथ पे, एक स्पिरिचुअल रास्ते पे, तो कुछ टाइम के बाद आपका माइंड रेजिस्टेंस ऑफर करता है, फ्रस्ट्रेशन के फॉर्म में। आपको लगेगा कि यार इतने साल हो गए, इससे तो अच्छा था अपने करियर पे ध्यान दे दिया होता, या अपने माता पिता की बात मान ली होती, कुछ और ही काम कर लिया होता। एक भाई साहब थे, रिटायर हो गए थे, डॉक्टर थे, रिटायर होने के बाद गए थे रमण आश्रम, रमण महर्षि के पास। कई महीनों के बाद, कई सालों के बाद
वो गए उनके पास, रोने लगे, बोलते हैं कब से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो रमण महर्षि ने जो उनको कहा, वो कई लोगों को कहा है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस आता है, मेंटल रेजिस्टेंस, वो हम सबको आता है एक पॉइंट के बाद। रमण महर्षि कहते हैं कि ग्रोथ तो तुम्हारी हो रही है, तुमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है। अब ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर हमारा अपना ग्रोथ हो रहा है तो हमको क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन से अंधे हो जाते हैं, डिज़ायर से अंधे हो जाते हैं। ये एक बारीक सा नेगेटिव पॉइंट है कि आपको जितना जितना पता चलेगा कि मेरे मन में ये डिज़ायर पैदा हो रही है, एक्सपेक्टेशन पैदा हो रही है, उतना ही आसानी से आप अपने ग्रोथ को देख पाएंगे। एक बहुत मैच्योर आदमी का तो एक्सपेक्टेशन जैसे आता है तुरंत ख़त्म हो जाता है, इसको बोलते हैं डी कंडीशनिंग। इसलिए कृष्णमूर्ति बहुत बात करते थे इस पर कि अपने कंडीशनिंग को कैसे आप डिज़ोल्व करें, कैसे आप मन में बनने वाले इमेजेस के बियॉन्ड कैसे देख पाएं। तो आपको पहचानना होगा समय समय पर, जब भी आप लो हैं, दुखी हैं, तो मेंटल रेजिस्टेंस जो बनता है उसको पहचानना होगा और उसको ओवरकम करना होगा, जीतना होगा। इसके बाद आपको ख़ास ध्यान देना होगा एक तरह की एथिकल लिविंग, एक वर्चुअस लाइफ की। हम सब लोगों को पता है कि एक अच्छा इंसान ही स्पिरिचुअल इंसान होता है, लेकिन वो अच्छाई जब तक कुछ पाने के लिए है। दुनिया में तो हम अच्छाई इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हम डरते हैं, कुछ गलत किया तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सजा मिलेगी पकड़े गए तो। लेकिन स्पिरिचुअल पाथ पे जब कोई आगे चलता है तो वो अच्छाई बहुत सटल लालच से करता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब कोई इंसान इतना समझदार हो जाता है कि सच्चाई, अच्छाई, गुडनेस वो इसलिए जी रहा है क्योंकि वही सही चीज़ है, तभी उसका स्पिरिचुअल पाथ पर आगे चलना हो पाता है, अदरवाइज वो गोल गोल घूम रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा मुश्किल है, वो है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। स्पिरिचुअल पाथ भी एक तरह का साइंस है और बहुत ही एडवांस्ड साइंस है, जैसे न्यूरो साइंस होता है, बायोलॉजी होती है, फिजिक्स होता है, कोई भी अलग साइंस होता है, ऐसे ये भी साइंस है। इसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, चक्र क्या होता है, प्राणायाम क्या है, इन सब की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जब आएंगे तो माइंड एकदम बिवाइल्डर्ड हो जाएगा, कंफ्यूज्ड हो जाएगा, उसको लगेगा अरे बस मैं पहुंच गया। हर रोज़ उसको लगेगा नए नए एक्सपीरियंसेस आएंगे, और कभी कभी वो ग्रैंडियोसिटी देता है, ढेर सारे एक्सपीरियंसेस आपको आने वाले हैं। इसलिए आपको एक बहुत अच्छा स्टूडेंट होना होगा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स का, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना होगा, कई कई तरीक़ों से पढ़ना होगा। मैं जब डॉक्टर सहर को स्टडी कर रहा था अपने स्पिरिचुअल पाथ पे, तो मैं तो अमेज्ड हो गया, कितनी किताबें पढ़ी हैं उन्होंने, कि बाइबलोग्राफी देखी मैंने, तो मैं मुस्कुराने लगा। मुझे लगा कि देखो यार, हम लोग तो बस कुछ किताबें ओशो की पढ़ लिए, कुछ लेक्चर सुन लिए, तो हमने मान लिया कि हम बहुत समझदार हैं, और यहाँ पर पोथी की पोथी उन्होंने ख़त्म कर रखी है। और ये कोई बोझ नहीं लगता, जो आदमी स्पिरिचुअल पथ पे है उसके लिए कॉन्सेप्ट्स को समझना एक तरह का मज़ेदार चीज़ है, एक तरह की मेंटल जॉय है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है स्पिरिचुअल पाथ पे। यही चीज़ हम लोग बेसिक और एडवांस सीरीज़ में कवर करते हैं अपने स्पिरिचुअल कोर्सेज में। और लास्ट में आपके कल्चर का इन्फ्लुएंस, आप हिंदू हैं तो मंदिर जाएंगे, मुस्लिम हैं तो आपको नमाज पढ़ने के लिए आपको मस्जिद जाना होगा। हर एक रिलीजन में उसका एक कल्चरल बैकग्राउंड है, लेकिन उसके पार देखना होगा आपको, क्योंकि आमतौर पे कल्चर में ना चीज़ों को एज इट इज़ बता दी जाती हैं एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कल्चर से नहीं आती, उसके बियॉन्ड जाना पड़ता है। जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च होगा वो आपके मन के अंदर होगा,
आप जब प्रार्थना करने जाएंगे, ध्यान करने जाएंगे, तो मन के अंदर जाएंगे। तो कल्चर के इम्पैक्ट से आपको हेल्प तो लेनी है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, क्योंकि वो भी आपको मुक्त नहीं कर पाता। कल्चर मासेस के लिए बना है, गाइड करने के लिए लोगों को जो बहुत सेंसिटिव नहीं है, जो बहुत क्रूड है। समाज को व्यवस्थित रखने के लिए बना है कल्चर, लेकिन आप कल्चर के बियॉन्ड जा रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से आपको एक योगी बनना चाहिए, एक फुल टाइम योगी, और हर दस साल में आपको ये दिखता जाएगा कि आपकी ग्रोथ क्या हो रही है। तो अगर आप बहुत सीरियस हैं इस साइंस को समझने के लिए, तो हमारे साथ आप आ सकते हैं ज़िनोगा पर्सनल कोर्स में। मैं 1000 स्टूडेंट्स को अपने साथ इस यात्रा पे ले चलूँगा, जो ट्रेंड होंगे मेरे द्वारा, और फिर 100 मिलियन ज़िनोगीज को ट्रेन करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनके साथ हर हफ्ते हमारी एक गूगल मीट होती है पर्सनल लेवल पे, और उसमें से कुछ लोग तो मेरे पास फिजिकली यहाँ पर आकर रहते हैं। तो अगर आप उसी में से एक होना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टार्ट ऑनलाइन और बाद में ऑफलाइन कोर्सेज भी। और हम लखीमपुर में अपना ज़िनोविले बना रहे हैं, अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो उसको बनाने में हमारी मदद करिए, डोनेट करिए।